नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। मुस्लिम महिलाओं का अधिकार सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वैसे तो सरकार ने तीन तलाक जैसे मामले में कड़ा कानून बना रखा है, पर मुस्लिम समाज के अंदर इसको लेकर अभी भी कोई खास जागरूकता नहीं दिख रही। जहां कड़े कानून के बाद भी तीन तलाक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं पीड़ित महिलाएँ इस मामले में अपने लिए प्रशासन से इंसाफ मांगती नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला सागर के केंद थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां सदर निवासी मोहम्मद इकबाल ने बड़े ही अरमानों से अपनी बेटी इमराना का निकाह ललितपुर निवासी राजा राइन से किया था। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 3 माह पूर्व निकाह सम्मेलन से विवाह करने के बाद अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर डोली में बिठाकर राजा राइन को उसके जीवन की बागडोर सौंप परिजनों ने इस उम्मीद से रुखसत किया था कि वह ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन यापन करेगी। परंतु उनकी खुशियों और उम्मीदों का ताना बाना महज कुछ दिनों में ही बिखर गया। ससुराल पहुंचने के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने इमराना पर मायके से दहेज के तौर पर 1 लाख रुपये और मोटरसाइकिल लाने का दबाव बनाकर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। जिस घर में अपने भविष्य के बेहतर उम्मीद का सपना संजो जीवन साथी के भरोसे अपने दंददाता माता पिता का साथ छोड़ वह पहुंची थी, वही जीवन साथी दहेज का दानव निकला और उसके आंखों में भी पति के रिश्ते से ज्यादा दहेज की भूख ज्यादा दिखी। पति ने पहली विदाई में ही उसकी मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल नहीं आने का बोल उसे मायके भेज दिया। इमराना के परिवार वालों ने बच्ची की जीवन बर्बाद नहीं हो इसलिए जैसे तैसे ससुराल वालों से मिन्नत कर उनकी मांग को पूरा करने के लिए कुछ समय मांग उसे फिर ससुराल भेज दिया, पर वह उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाए। इस बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने फिर इमराना पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। आए दिन उसके साथ मारपीट होने लगी। जब इस मामले में मायके वाले इमराना के ससुराल बात करने पहुंचे तो ससुराल पक्ष ने दहेज की पूर्ति के बिना उनकी एक बात नहीं सुनी और दामाद राजा राइन ने इमराना को उनके सामने ही 3 बार तलाक कहकर बाहर निकाल दिया। दहेज लोभी ससुराल वालों के जुल्म का शिकार हो उनके खिलाफ कार्यवाही की उम्मीद लिए पीड़िता ने ललितपुर पुलिस से इसकी शिकायत भी की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद इस मामले में पीड़ित ने सागर एसपी के नाम एक शिकायत पत्र सौंपा। दहेज लोभी और उस पर जुल्म अत्याचार करने वाले पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो इसकी गुहार लगाई गई है। पीड़ित महिला इस मामले में अब राजा से छुटकारा चाहती है, साथ ही समाज के ऐसे दहेज लोभी का कोई और शिकार ना हो इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की दरकार शासन प्रशासन से रख अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। इस मामले में पुलिस को मिली शिकायत पर अब क्या कार्यवाही होती है यह देखना लाजमी होगा, परंतु इतना जरूर है कि मुस्लिम समाज अभी भी जागरूकता के अभाव में 3 तलाक की जकड़न में उलझा है, जिससे मुक्ति के लिए अभी भी समाज और सरकार को व्यापक स्तर पर जागरूकता के प्रयास किए जाने की जरूरत है। तब जाकर मुस्लिम महिलाओं को ऐसे मामलों में सही मायने में न्याय मिल पाएगा। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल, मोहम्मद इकबाल। क्या समस्या लेके आए थे आप एस बी ऑफिस? हम लड़की के आने वो टॉर्चर कर रहे। कौन लोग हैं ये? हमारे समधी है, हमारा दामाद है। किस बात को लेकर टॉर्चर कर रहे हैं? वो ने पहले डिमांड करी थी पैसे की, 1 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल, तो अपने अपन गरीब आदमी अपनी उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई। अपन ने उनसे कहा कि अपन बाद में दे देंगे, लेकिन उन लोगों ने लड़की को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब इतना टॉर्चर करा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब लड़की वो मजबूरी, मतलब उनका लड़की का फोन आया कि जरूरत से ज़्यादा हालत ख़राब है, मैसेज करा मतलब मोबाइल पे, तो वक्त गया था लेके आया कल। तो आपकी बच्ची के साथ क्या घटनाक्रम हुआ है? कहा उसको बहुत मारा पीटा है जरूरत से ज़्यादा, तो पैसे लेके उसने कही नहीं अपने बाप से, पैसों की नहीं कही, मोटरसाइकिल की नहीं कही। तो आपकी बच्ची को मारपीट करके उनने घर से बाहर भगा दिया। उसके बाद वो लड़का कह लगा 3 तलाक करके वो दौड़ लगा के भाग गया। वो लड़का क्या करता था? लड़का वो कंप्यूटर सिखाता था, वो हमसे झूठ बोलता था कि हम कोई सरकारी नौकरी नहीं। तो आप आज क्या यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ हम जो मांग कर रहे हैं लड़के की कार्रवाई हो जाए, करी जाए, उनके परिवार में कड़ी कार्रवाई करी जाए। कितने समय पहले आपकी बच्ची की शादी हुई थी? अभी 3 महीने हुए बच्ची की शादी को। कहाँ पे शादी हुई थी? ललितपुर में। क्या नाम है आपके उनके? हमारा समधी का नाम है आज़ाद। और आपके दामाद का? राजा।